बॉक्स ऑफिस पर जबरिया जोड़ी की एवरेज परफॉर्मेंस को भूलकर परिणीति चोपड़ा आप जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। भाई बढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है आगे बढ़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं VFN न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा तिवारी। परिणीति चोपड़ा की अब अगली फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन। वायरस पैंडेमिक के चलते 2020 में हमने देखा कि कई बड़ी और चर्चित फिल्मों ने सिनेमा घर बंद होने की वजह से OTT रिलीज का रास्ता चुन लिया। ये फिल्में मुख्य रूप से Amazon प्राइम, Netflix और Disney प्लस, Hotstar जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की गई थी। ये सिलसिला 2021 में भी जारी है। नए साल में इसी की शुरुआत परिणीति चोपड़ा की चर्चित फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन के साथ हुई है, जो सिनेमा घरों के बजाय सीधा नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जा रही है। वही 12 जनवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका ट्रेलर रिलीज किया गया। जब ट्रेलर रिलीज किया गया तो उसके साथ ही डेट का खुलासा भी हो गया। द गर्ल ऑन द ट्रेन साल 2021 की पहली चर्चित फिल्म है जिसे थिएटर्स के बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर उतारा जा रहा है। नेटफ्लिक्स ने ट्रेलर शेयर करने के साथ ही लिखा कि इस अनोखी ट्रेन यात्रा में परिणीति चोपड़ा के साथ आइए, चेतावनी, आप अपने रिस्क पर ही ट्रेन में सफर करिए। फिल्म 26 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। द गर्ल ऑन द ट्रेन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। ये इसी नाम से आई हॉलीवुड की फिल्म का रीमेक होने वाली है जिसमें एमिली ब्लंट ने लीड रोल निभाया था। हॉलीवुड फिल्म 2015 में रिलीज की गई थी। आपको बता दें कि ये एक नॉवल का अडेप्शन है। नॉवल जिन्होंने लिखी थी उनका नाम है पॉला हॉकिंस। फिल्म का डायरेक्शन जो कर रही हैं वो रिभु दास गुप्ता ने किया है। नेटफ्लिक्स के लिए बार्ड ऑफ ब्लड के नाम की सीरीज वो पहले बना चुकी हैं जिसमें इमरान हाशमी ने लीड रोल निभाया था और इस सीरीज का निर्माण जो हुआ था वो शाहरुख खान ने किया था। द गर्ल ऑन द ट्रेन की जो कहानी है वो एक लड़की मीरा के इर्द गिर्द घूमती है जो रोज ट्रेन से सफर करने के दौरान एक परिवार को खुशनुमा जिंदगी बिताते हुए देखती है, फिर एक दिन कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी जिंदगी पूरी बदल कर रह जाती है। फिल्म परिणीति के अलावा इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति राव हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, अविनाश तिवारी अहम किरदारों में आपको इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। द गर्ल ऑन द ट्रेन पिछले साल मई में रिलीज की जाने वाली थी लेकिन पैंडेमिक के चलते इसकी रिलीजिंग डेट को पोस्टपोन कर दिया गया और अब आपको ये 26 फरवरी को देखने के लिए मिलेगी। वही ट्रेलर जल्दी से देख लीजिए और हमें आके बताइए कि आपको ट्रेलर कैसे लगा। इसके साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि वायरल वर्सेस फैक्ट का क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है कि उसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक पर मिल जाएगी। इसके साथ ही जाते जाते आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।